हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन काफ़ी हद तक हो चुके हैं, कुछ पुराने लोग भी एडमिशन ले चुके हैं लास्ट बैच में और कुछ अभी भी लेने वाले हैं। तो अगर आपने रेट के थ्रू एडमिशन लिया है पीएचडी में किसी भी डिपार्टमेंट में, इसका मतलब आपके पास JRF नहीं है, क्योंकि अगर JRF होती तो आप एग्जेम्प्टेड से लेते, और अगर आप एग्जेम्प्टेड से लेते यू विल गेट द फुल फेलोशिप अमाउंट ऑफ JRF। अब आपने रेट के थ्रू एडमिशन लिया है, दैट मीन्स आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और देन यू हैव टेक एडमिशन इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। नाउ व्हाट फेलोशिप विल बी एक्टिवेटेड, यू नो वेरी वेल, सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट 8,000 जो कि यूनिवर्सिटी की फेलोशिप है, UGC की जिसको बोलते हैं नॉन नेट फेलोशिप UGC की है 8,000, वो सबको पता है वो एक्टिवेट हो जाएगी। मगर क्या 8,000 इज अ इनफ अमाउंट फॉर यू टू कंटिन्यू योर PhD, टू फोकस ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव? द आंसर्स कम्स फ्रॉम योर साइड इज नो सर। 8,000 ओनली टिल फुल PhD ड्यूरेशन। सो फॉर दैट सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव टू प्लान फॉर टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज यू विल ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, ये डिले हो जाएगा। आपको क्या करना है, सपोज आपने इस बैच में रेट के थ्रू एडमिशन लिया है, देन फ्रॉम डे वन जब से आपने फीस सबमिट किया है, गॉट इट, आपने फीस पेमेंट जिस दिन से कर दिया दैट मीन्स उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अगर आपकी JRF है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर आपकी रेट फेलोशिप है 8,000 तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। बट रेट एक्टिवेट होगी उस दिन से 8,000, मगर अगर आपको उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, सो मैं कई सारे ऑप्शन बता चुका हूँ, तो जो पहला ऑप्शन है वो है इंस्टीट्यूशनल JRF। डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट में, आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं उस इंस्टीट्यूट में पता करिए कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरनल JRFs होती हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, और वो कब वैकेंट होने वाला है। वो जैसे ही वैकेंट हो आपको अप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट द फुल अमाउंट ऑफ JRF अराउंड 35 to 40,000 पर मंथ। तो ये था पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, विद इन अ ईयर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इफ यू विल पब्लिश वन पेपर दैट वॉज मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस, वन पब्लिकेशन, दे हैव नॉट क्लियर्ड वन रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल, सो जस्ट गो हैड व्हाट सो एवर यू विल गोइंग टू पब्लिश, वन रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल इन Q2 जर्नल। Q2 एक ग्रुप है UGC के अकॉर्डिंग, जिसमें कि एक रेप्यूटेड जर्नल्स होती हैं, तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है आप किसी ना किसी इम्पैक्ट और इंडेक्स जर्नल में एक साल के अंदर एक पब्लिकेशन कर दीजिए, देन यू विल गेट अस एडिशनल 7,000 रुपीज एंड अ टोटल ऑफ 15,000 पर मंथ। दिस इज नॉट स्ट्रेंज, दिस इज द स्कीम ऑफ यूनिवर्सिटी। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, ट्राई टू अवेल दीज टाइप्स ऑफ स्कीम। देर आर लॉट्स ऑफ फेलोशिप, वी डू नॉट नो अबाउट इट, सो बेटर टू नो ईच एंड एवरी फेलोशिप, ईच एंड एवरी बेनिफिट विच यू कैन गेट इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो पेपर पब्लिश करिए फटाफट, कैसे करना है नहीं हो रहा है उसके लिए मैं आपके लिए 24/7 बैठा हूँ, एंड आई कैन गारंटी कि आप जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है ना, आप एक नहीं तीन पेपर पब्लिकेशन कर सकते हो एक साल में, अगर आपने ढंग से काम किया तो। उसके लिए मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगा अगर आपके मैसेज आएंगे तो। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू द एडिशनल 7,000 विच कम्स टू द 15,000 पर मंथ फॉर रेट एस्पायरेंट जिन्होंने लिया है। ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।